अजमेर के क्रिश्चनगंज थाना क्षेत्र स्थित ओम नगर में उस समय सनसनी फैल गई जब नाले में एक कट्टे में मांस के टुकड़े पड़े देखे। सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी मौके पर एकत्रित हो गए और दिन प्रतिदिन हो रही इस प्रकार की घटनाओं पर गहरा रोष व्यक्त किया। क्षेत्रवासियों ने इस पूरी घटना की सूचना क्रिश्चनगंज थाना पुलिस को दी, जहां क्रिश्चनगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्रीय निवासी अजय सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले भी कोई अज्ञात व्यक्ति इस प्रकार के मांस के टुकड़े बैग में भरकर नाले में फेंक गए थे और आज फिर एक प्लास्टिक के कट्टे में मांस के टुकड़े मिलने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। क्षेत्रवासियों ने पुलिस से ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की भी मांग की है। मामला ओम नगर का है, पीछे नाले में है, लगातार दूसरी घटना है। पहले भी एक घटना हुई थी जो जमादार जी को बुला के उठा दिया था, उसमें ऐसे मांस के टुकड़े थे। आज भी ऐसा ही कुछ दिन में दो लड़के आए बाइक में कट्टे में डाल के और चले गए। तो फिर ये लगातार घटना होने के बाद हमने संज्ञान में लिया तो सबको सूचित किया। किशनगंज थाने से भी मौका मुआयना करके गए हैं। ये मौका मुआयना पर यही साबित हुआ कि किसी जानवर के टुकड़े हैं। ये आए दिन लगातार हो रही है घटना पे। प्रशासन भी ध्यान देवे या बीट के अधिकारियों से यहाँ पे गश्त बढ़ाई जावे रात को भी और दिन को भी। यहाँ पर मैं भी आया, हमारे पड़ोस में काड़ू जी तेड़वा रहते हैं, उनके बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे तो उन्होंने इसको कट्टे में भरा हुआ देखा। उसमें देखा कि बोलते इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, दिल गुर्दे पड़े थे। अब इंसान के जानवर के उसमें पता नहीं लग रहा है। दो तीन दिन पहले ऐसे भी गाय का बच्चा फेंक कर गए थे लाल कपड़े के अंदर बांध के, उसको काट कर उसका मालूम नहीं पड़ा। दो तीन दिन पहले आया था गाय का बच्चा, मतलब काट कूट के ना उसके अंदर लाल कपड़े के अंदर फोड़ कर गिरा के। Excited? Holidays will be very boring for me.